दस साल में और खास तौर पे पिछले पांच साल में संविधान और लोकतंत्र की ऐसी कोई मर्यादा नहीं बची जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तार तार नहीं किया। और पिछले कुछ दिनों से चंदा लो और धंधा दो की जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की वो पूरे देश के सामने बेनकाब हुई है। इधर ईडी की रेड होती थी, उधर भारतीय जनता पार्टी की गुल्लक में सिक्के गिरने शुरू हो जाए। उद्योगपति के दरवाजे पर भाजपा का इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिखा देते, ईडी रिवर्स गियर में चली जाती, फिर वो एड्रेस भूल जाती, फिर वहां ईडी कभी नहीं जाती। एक तरह से चंद एजेंसियों ने एक लालची तानाशाह का गुलाम एक लोकतंत्र को बना दिया। ये जो चंदे की लूट का पैसा है, ये जो हफ्ता वसूली का पैसा है, ये जो वसूली सरकार बैठी है केंद्र में, किस तरह से नेताओं को ब्लैकमेल कर करके उनकी पार्टियां बदलवाई जाती, जमीर का सौदा किया जाता है, ये पैसा कहां से आता है? चुनाव का बिगुल बजा है, जनता ने ललकारा है, न्याय की इस रणभूमि में लोकतंत्र ने हमें पुकारा है और हम तैयार हैं। आज माननीय चुनाव आयोग ने आम चुनावों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन ये चुनाव किसी भी सूरत में आम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह चुनाव फैसला करेंगे कि यह देश और भारत का लोकतंत्र मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के कंधों पर चलेगा या चुने हुए कुछ पूंजीपतियों के कंधों पर चलेगा। यह दिशा यह चुनाव तय करेगा, इसलिए मैं इसको आम चुनाव कहना पसंद नहीं करूंगा। यह बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इससे तय होगा कि देश बाबा साहब के संविधान पर चलेगा या एक तानाशाह के गुणगान पर चलेगा। इसलिए ये आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव है। इस चुनाव में न केवल वोट पड़ेंगे बल्कि अहंकार और तानाशाही के ऊपर एक भारी चोट देने को ये देश तैयार है। इस चुनाव की इंतजार यह देश पिछले कई कई वक्त से कर रहा था। 10 साल में और खास तौर पे पिछले 5 साल में संविधान और लोकतंत्र की ऐसी कोई मर्यादा नहीं बची जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तार तार नहीं किया हो। चाहे ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्ष की आवाज को कुचलना हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसानी हो, पेपर लीक होने हो, पेपर लीक के बाद उनके साथ जो अन्याय हुआ वो हो रहा हो, वो पिछले 10 साल में पूरे देश ने देखा। एमएसपी की जायज मांग करते हुए 750 किसान शहीद हुए, वो पूरे देश ने देखा। किसानों को दिल्ली पे आने से किस तरह से रोका जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। महिलाओं के साथ सड़क पर सरेआम जो रवैया हमने देखा इस देश में होते हुए, बलात्कार हो रहे हैं, मॉलेस्टेशंस हो रही हैं, चलना दुभर हो जाए महिलाओं का, वो भी ये पूरा देश देख रहा है। मणिपुर से लेकर और महाराष्ट्र तक जो कोई वर्ग ऐसा बचा हो जिस पर अत्याचार न हो, हमें ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई वर्ग बचा होगा। मणिपुर की जब चर्चा हो ही रही है तो अकारण अनाप शनाप बोलने की आदत रखने वाला व्यक्ति, जो दो दो घंटे टेलीप्रॉम्प्टर्स, छह छह टेलीप्रॉम्प्टर्स लगा के भाषण देने की जिसकी आदत हो, मणिपुर के वक्त वो टेलीप्रॉम्प्टर ऑफ हो जाते हैं, मुंह बंद हो जाता है, मुंह में दही जम जाते, एक शब्द मणिपुर पर प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकलता। और पिछले कुछ दिनों से चंदा लो और धंधा दो की जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की वो पूरे देश के सामने बेनकाब हुई है, आप सबने देखी है। कई हफ्तों से, महीनों से, सालों से महंगे वकील खड़े किए गए कि ये आंकड़े सार्वजनिक न हो। देश जानना चाहता था कि आखिर क्या छिपाना चाहते थे आप, क्यों ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं होने देना चाहते थे आप। लगातार बहाने, एक के बाद एक बहाने बनाए गए, एसबीआई पर दबाव डाला गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। हम धन्यवाद देते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो लोकतंत्र की ढाल बनकर खड़े रहा और ये आंकड़े अब सार्वजनिक हुए हैं। 12,000 करोड़ का चंदा लॉटरी वाले
वैक्सीन वाले, खदानों वाले, जिन सब से जो चंदा लिया गया, इसके बदले में प्रधानमंत्री ने इन्हें क्या क्या दिया, ये आप लोग सब जानते हैं, वाकिफ हैं, लगातार हम इस पे चर्चा करते रहते थे। इधर ईडी की रेड होती थी, उधर भारतीय जनता पार्टी की गुल्लक में सिक्के गिरने शुरू हो जाते थे, ये भी हम सब ने देखा। और एक मजाक एक तरह से चारों तरफ अब सोशल मीडिया पे दिखता है कि उद्योगपति के दरवाजे पर भाजपा का इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिखा देते हैं, ईडी रिवर्स गियर में चली जाती, फिर वो एड्रेस भूल जाती, फिर वहां ईडी कभी नहीं जाती। तो पूरे लोकतंत्र का एक तरह से चंद एजेंसियों ने एक लालची तानाशाह का गुलाम एक लोकतंत्र को बना दिया, ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये जो चंदे की लूट का पैसा है, ये जो हफ्ता वसूली का पैसा है, ये जो वसूली सरकार बैठी है केंद्र में, इसने अपनी पार्टी का हर जिले में 7 सितारा ऑफिस बनाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हर राज्य में, हर जिले में कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, स्कूल की छत हो या न हो फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी का 7-स्टार ऑफिस होना आवश्यक है। यह है इस चंदे का धंधा, यह है इस हफ्ता वसूली सरकार की असलियत। और हमारे कुछ साथी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, आप जैसे साथी जाते हैं तो बताते हैं, एक एक कमरे में 4-4, 5-5 सबसे महंगे एसी, कि कहां से आ रहा है पैसा, किसका पैसा है, इस पैसे के बदले में आप क्या क्या बेच रहे हैं। 10 साल से ये सारे सवाल हम सबके जहन में है, हम सबके दिमाग में है, आप लोगों के, आप लोग नहीं चला पाते हैं लेकिन आपके दिमाग में भी है ये सवाल, किस तरह से विधायक खरीदे जाते हैं, सरकारें गिराई जाती हैं, किस तरह से नेताओं को ब्लैकमेल कर करके उनकी पार्टियां बदलवाई जाती हैं, जमीर का सौदा किया जाता है, ये पैसा कहां से आता है।